वाड़ी जेल वाटर विक्रेताओं के प्लांट को नगर परिषद ने सील करने से यहां पर काम करने वाले करीबन 200 युवकों के परिवार पर भूखे रहने की नौबत आई है। प्लॉट को शुरू करने के लिए मंगलवार को हिंगना विधानसभा युवक कांग्रेस के अध्यक्ष अश्विन बैस ने मुख्य अधिकारी जुम्मा प्यारेवाले को ज्ञापन सौंपा। वाड़ी में शुद्ध जल निर्मित कर सालों से चिल पानी का व्यवसाय यहाँ की व्यवसायी कर रहे हैं। अभी तक किसी भी विभाग की अनुमति लेने की जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन अब नगर परिषद ने करीबन 17 पानी प्लॉट को नोटिस देकर सील कर दिया। अब इसके आगे इस व्यवसाय को चलाना है तो नप की अनुमति, फूड एंड ड्रग्स CGW की अनुमति के बाद ही प्लॉट को चला सकेंगे। सर्टिफिकेट ऑफ एग्जामिनेशन फॉर ग्राउंड वाटर विभाग ने प्लॉट को सील करने के आदेश दिए हैं। एक चिल वाटर प्लांट को शुरू करने के लिए करीबन 10 लाख रुपए खर्च कर पानी का व्यवसाय शुरू किया, लेकिन नगर परिषद के प्लांट को सील करने से पूरा धंधा चौपट हुआ। बैंक से लिया लोन भी अदा करना अब मुश्किल हो रहा है। व्यवसाय शुरू नहीं हुआ तो आत्महत्या करने की नौबत आ सकती है, यह बात व्यवसायी को ने कही। पानी के व्यवसाय पर वाड़ी के 200 लोगों के परिवार चलते थे, लेकिन अब प्लांट सील होने से बिजली आपूर्ति बंद है। हर माह लाखों का बिल अब रुक गया है। इसमें सरकार के ही महावितरण का नुकसान हो रहा है। सील किए गए पानी प्लांट को शुरू करने के लिए हर विभाग की अनुमति के लिए प्लांट धारकों ने पैसे खर्च कर अनुमति ली है, लेकिन अन्न औषधि व प्रशासन की अनुमति मुख्य अधिकारी ने मांगी है। यह अनुमति नहीं मिलने से सील किए गए प्लांट नहीं खुलेंगे। जितने विभाग ने अनुमति दी है उतने पर प्लांट को शुरू करने की मांग हो रही है। नहीं खुलने पर आंदोलन की चेतावनी प्लांट धारक व कामगारों के साथ अश्विन बैस ने दी। वाड़ी से सौरभ पाटिल की रिपोर्ट, NBCN न्यूज, नागपुर। ऑर्डर निकले, जो भी ऑर्डर निकले, लेकिन अन्याय इस परिवार के साथ में हो रहा है। ये लोग अचानक में यानी संभलने का मौका तो भी इनको मिलना चाहिए था कि ठीक है हम डॉक्यूमेंट्स तैयार करते हैं, इनको समय देना जाना चाहिए था। लेकिन आज एकदम से दिवाली के पहले इनके ऊपर में एकदम प्लांट पे कार्रवाई करना और सील करना, दिवाली के मौके पर इनके दिवाली ने एकदम से अंधेरे में डालना इनके दिवाली को, कहीं तो भी अन्याय इनके ऊपर में किया गया है। नगर परिषद और सभी अधिकारी, फूड विभाग हो, सेंट्रल बोर्ड का विभाग हो, सभी से इतना ही विनंती है कि प्लांट जल्दी से जल्दी शुरू किया जाए। जो ये अन्याय इनके ऊपर में किया गया है ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज हमने निवेदन दिया है, हम डॉक्यूमेंट्स की पूरी तैयारी, हम जो कानून के राह पे ही चलेंगे, हम पूरे डॉक्यूमेंट्स की तैयारी करेंगे। लेकिन अगर फिर भी हमको घुमाया जाता है और डॉक्यूमेंट्स कहीं तो भी फूड विभाग नकारता है या जो भी नकारता है, और उसके ऊपर में भी अगर इनके ऊपर में इनका प्लांट नहीं खोला जाता है तो हम आंदोलन की भूमिका युवा कांग्रेस की तरफ से लिया जाएंगे। राष्ट्रीय हरित लवाद म्हणजेच NGT नॅशनल ग्रीन ट्रिब्युनल ने पूर्ण राष्ट्र म्हणजे आपल्या महाराष्ट्रासाठी आणि देशासाठी की जे वॉटर डिप्लेशन होत आहे, जो पाण्याची पातळीचा ऱ्हास होत आहे, त्यानिमित्ताने एक डिसिजन दिलेला आहे। आणि त्या डिसिजनमध्ये जे वॉटर कॅन्स आहे किंवा वॉटरचं फिल्टर करून व्यवसाय करणारे लोक आहे त्यांना फूड ड्रग्स अँड फ्रूट डिपार्टमेंटचा NOC आणि जे नॅशनल ग्राउंड वॉटर डिपार्टमेंट आहे त्याची NOC शिवाय कोणतेही व्यवसाय चालणार नाही अशी आदेश दिलेले आहे। या आदेशामध्ये असंही म्हटलेलं आहे की जे या दोन NOC शिवाय जे लोक असा व्यवसाय करत असेल तर त्या व्यवसायाला तात्काळ त्या ठिकाणच्या याला व्यवसायाला सील करावं असे आदेश NGT महाराष्ट्र पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाला दिले आणि कंट्रोल बोर्डाने महाराष्ट्र MPCBने संबंधित नगरपालिकांना ते सील करण्याबाबत आदेश दिलेले आहेत। त्या अनुषंगाने आपण ते सगळे सील केलेले आहे। ह्या दोन प्रकारचे प्रमाणपत्र त्यांना प्राप्त झाल्यानंतर अधिकृतपणे आपण ते सदर बाब MPCBच्या लक्षात आणून देऊ आणि MPCB मग दिलेल्या निर्देशानुसार, जसे त्यांनी निर्देश क्लोज करायचे दिले होते तसे निर्देश आम्हाला ओपन करायचे दिल्यास आम्ही वाडीतील जे आरो प्लांट आहेत किंवा कॅन विकणारे लोक आहेत त्यांचे जे प्लांट्स आहेत ते ओपन करू। तुमचे सर्टिफिकेट मांग रहे हैं, जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ही 3 दिन के अंदर में देते नहीं है, ये 3 दिन में हमको कैसे क्या नोटिस देते कि 3 दिन के अंदर में आप हमको ला के दीजिए। 2016-2017 में हमने अप्लाई कर चुके हैं, अभी तक हमको मिला नहीं है, और 3 दिन में कहाँ से ये हम इनको दिए करके। हम लोगों की मांग है कि हम सबको जो सर्टिफिकेट मिला जाए और सबका काम शुरू किया जाए, क्योंकि हमारे पीछे में जो परिवार पल रहे हैं बेचारे वो भूखे में रहेंगे, या तो वो भी आत्महत्या करेंगे, चाहे ये किसान जैसा हो सकता है ये, क्योंकि कम से कम महाराष्ट्र के अंदर में 5,000 के ऊपर में अपने प्लांट है। जितना काम ऐसा नहीं करता उससे ज़्यादा हम करते, हमारे आज तक कोई पानी में कंप्लेंट नहीं आया, और लोग पसंद कर रहे हैं। ऐसा नहीं है ऐसा वालों को एक बार का पसंद नहीं कर रहे, हम लोगों को पसंद कर रहे हैं, लोगों की हम पसंद यानी चाहत के लोग हैं। उसके बावजूद भी सरकार ये कदम उठा रही है, ये हमारे साथ अन्याय हो रहा है।
वाटर प्लांट में आपने देखा होगा कि जैसे दिक्कतें आ रही है, हमारा सील हो चुका था प्लांट, जैसे नगर परिषद वालों ने सबके यहाँ जाके जो वाटर प्लांट सील किए, इस वजह से क्योंकि CGW वालों ने उन पर एक प्रेशर किया था कि उनके प्लांट सील किया जाए, इस वजह से कि उनके पास लाइसेंस नहीं है या फिर कोई NOC नहीं है। जब हम लीगल थ्रू गए वहाँ पे जाने के लिए तो CGW वालों ने बोला था हमें कि यहाँ पे आपके लिए कोई ऐसा लाइसेंस ही नहीं है, जबकि NOC था। हमें जब कुछ दिनों बाद हमारे को NOC भी मिला, अब हम जब यहाँ आए तो हमें और दूसरा एक नया मुद्दा पता चलता है कि आपको फूड एंड ड्रग का भी NOC लेना पड़ेगा, जबकि हम फूड पैकेजिंग में आते ही नहीं। अगर ऐसा रहता तो आपने हमें पहले बताना था कि फूड पैकेजिंग का आपको लाइसेंस या NOC लेना है। जब अगर ऐसा है तो हमें फूड एंड ड्रग से लाइसेंस मिलना चाहिए, बट वो मिल भी नहीं रहा है। उन्होंने ऐसा कहा है कि आप कोई कानून में आते ही नहीं हो। हमारा ये कहना है कि हमारे लिए कोई कानून निकाला जाए, और अगर ऐसा ना हो तो हमारे जितने भी प्लांट है और 200 से 300 लोग जो बेरोजगार हो गए, उन्हें आपको रोजगार देना ही पड़ेगा। क्या करने के अगर दूसरा पर्याय कुछ भी नहीं है। थैंक यू।